एनडीएमसी कमिश्नर की तरफ से एक बार फिर दिल्ली सरकार पर फंड न देने, फंड न रिलीज करने को लेकर निशाना साधा गया है। एनडीएमसी कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि हेल्थ फंड रिलीज नहीं हुआ है। ट्वीट करके सीएम केजरीवाल पर यह आरोप लगाया है कि फंड को रिलीज नहीं किया जा रहा है, हेल्थ फंड रिलीज न करने पर निशाना साधा गया है। कमिश्नर वर्षा जोशी ने हेल्थ फंड रिलीज न होने पर निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल पर। एनडीएमसी कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने हेल्थ फंड रिलीज नहीं किया है। हमारे सहयोगी तरुण कालरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तरुण, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर एनडीएमसी के कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि फंड रिलीज नहीं हो रहा है, और ये लड़ाई लगातार एक नए रूप में हर बार देखने को मिलती है। बिल्कुल, और ये एक कटाक्ष के तौर पर एक आईएएस अधिकारी का निशाना है अरविंद केजरीवाल सरकार पर। दरअसल कल ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिहार सरकार को मदद की पेशकश की थी कि वहां पर चमकी बुखार से पीड़ित लोगों की मदद के लिए अगर आपको किसी भी तरीके की डॉक्टर की, एम्बुलेंस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, मेडिसिन की जरूरत है तो दिल्ली सरकार उसको मुहैया कराने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर वर्षा जोशी ये स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि आप दुनिया भर के अंदर तो मदद देने की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन आपके अंडर जो सिविक एजेंसीज आ रही हैं उनके ही हेल्थ फंड को आप रिलीज नहीं कर रहे हैं। अगर वो हेल्थ फंड रिलीज कर दिया जाएगा तो हम भी अपने अस्पतालों को और अपनी हेल्थ सेंटर को और ज्यादा बेहतर और इक्विप्ड कर पाएंगे, और वहां पर मेडिसिन जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने में ये फंड यूटिलाइज कर पाएंगे। तो वर्षा जोशी यहाँ पर ये स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ आप दूसरे राज्यों को मदद देने की पेशकश कर रहे हैं, वहीं आपके अंदर आने वाले डिपार्टमेंट फंड की किल्लत से जूझ रहे हैं और उसके प्रति केजरीवाल सरकार नकारात्मक रवैया अख्तियार किए हुए हैं। तो अगर असल मायने में कहें तो अरविंद केजरीवाल सरकार की जो मदद की पेशकश थी उसकी पोल को खोलती हुई यहाँ पर आईएएस अधिकारी की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसका उन्होंने ट्विटर के ऊपर जिक्र किया है और ये भी कहा है कि लगातार हम फॉलो अप कर रहे हैं, उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल सरकार फंड जल्द ही रिलीज करेगी। आज ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने डेंगू और चिकनगुनिया जैसे गंभीर मसले के ऊपर, क्योंकि मॉनसून की शुरुआत होने वाली है और दिल्ली के अंदर जो सीवेज की क्लीनिंग है उसको लेकर विपक्ष अरविंद केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिए हुआ है, और बिहार जैसी स्थिति यहाँ पर दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के कारण बनने की भी आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति के अंदर जब दिल्ली के अंदर चारों ओर हाहाकार मचा होगा डेंगू या फिर चिकनगुनिया की आशंकित बीमारी को लेकर, तब इस आईएएस अधिकारी की बातें दिल्ली वालों को याद रहनी चाहिए कि समय के ऊपर अगर अरविंद केजरीवाल सरकार ने फंड रिलीज कर दिया होता तो एमसीडी के अस्पताल या फिर उनके मेडिकल सेंटर की इतनी बुरी हालत नहीं होती, जो शायद उनको समय से टैकल किया जा सकता था। लेकिन तरुण, एक सवाल यहाँ पर यह कि एक आईएएस अधिकारी एक चुनी हुई सरकार के मुखिया पर सार्वजनिक तौर पर ट्विटर के जरिए इस तरह से कटाक्ष करे तो क्या ये सर्विस रूल के उल्लंघन के दायरे में नहीं आता? क्या कमिश्नर को नहीं चाहिए था कि जो एक चैनल होता है उसके थ्रू ये बात सरकार के मुखिया तक पहुंचाया जाए, ना कि सार्वजनिक तौर पर एक आईएएस अधिकारी एक चुनी हुई सरकार के मुखिया पर इस तरह से खुलेआम कटाक्ष करे? देखिए, एक कानून देश के अंदर ये भी है कि हर व्यक्ति को अपनी राय स्वतंत्रता से अभिव्यक्त करने की आजादी है। शायद हो सकता है कि जो तरह तरह के कानून है जिसका अरविंद केजरीवाल सरकार हवाला भी देती है, लेकिन सबसे ऊपर जो कानून है जो कि दिल्ली की विधानसभा ने नहीं दिया है, हर एक नागरिक को देश की संसद ने दिया है अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, शायद उसी को अधिकार को इस्तेमाल करती हुई यहाँ पर आईएएस अधिकारी दिखाई दे रही है। और अरविंद केजरीवाल सरकार के रिश्ते अधिकारियों के साथ किस तरह से रहे हैं, अनेकों अनेक एग्जाम्पल्स इसके उनके सरकार के गठन के बाद ही मिल सकते हैं। जब अधिकारियों से मारपीट के आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगे, जब अधिकारियों के कमरे के ऊपर ताला लगाने के आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर लगे, शाकुंतला डी गैम्बलिंग जो कि दिल्ली सरकार के अंदर कार्यकारी सीएस बनाई गई थी उनसे बदसलूकी के आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर लगे, तो कई ऐसे तोहमत है अरविंद केजरीवाल सरकार पे जो कि हिरार्की को फॉलो करते हुए या फिर एक विधायिका ब्यूरोक्रेसी और एग्जेक्टिव विंग के अंदर एक जो सामंजस्य होना चाहिए था, यानी कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी हैं उनके अंदर जो सामंजस्य होना चाहिए था उसकी गुंजाइश शायद अब बची भी नहीं है अरविंद केजरीवाल सरकार में। वर्षा जोशी एक मुखर अधिकारी रही हैं जो
जो रूल बुक के अधिकार अनुसार चलती हैं, और किसी भी ऐसे काम को करने से वो हमेशा से मनाही करती आई हैं। जब वो परिवहन कमिश्नर थी, आयुक्त थी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार के अंतर्गत थी, तब भी वर्षा जोशी सरकार के रडार पर थी, और उसके बाद एनटीएमसी में उन्हें कमिश्नर पद पर ट्रांसफर भी किया गया। तो तब भी जब वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थी, तब भी कई मुद्दों के ऊपर अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ उनकी नियमों को लेकर नोकझोंक लगी रहती थी। ऐसे में अधिकारी ये भी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कल को मामला हाथ से बाहर निकलता है और अधिकारियों की कार्यशैली के ऊपर सवाल उठाएगी सरकार, तो अधिकारियों के पास भी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत हथियार हों कि समय रहते हमने सरकार को आगाह किया था। चलिए बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए। तो अभिव्यक्ति की आजादी आखिर किस हद तक अधिकारियों को मिलनी चाहिए कि चुनी हुई सरकार के मुखिया पर इस तरह से खुलेआम तंज कसना किस हद तक जायज है।